जल्द की ही बात है, बेलमपुर गांव में रानी नाम की एक लड़की का ब्याह हुआ था। रानी के ससुराल वाले उसे बहुत मानते थे, बस रानी को एक ही बात की समस्या थी। सुनिए जी, खुले में मैं फ्रेश नहीं हो सकती हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है। अरे इसमें शर्म कैसी, दुनिया खुले में जाती है, पूरा गांव खुले में जाता है। क्या आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? खुले में शौच जाने से इंसान की तबीयत भी खराब हो जाती है। तभी ये बात रानी के सास ससुर भी सुन लेते हैं। बेटी तुम गांव को बदलने की कोशिश मत करो, और जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही करो। कई दिन खुले में शौच करते करते रानी बीमार पड़ने लगती है, और एक दिन खराब मौसम में रानी मर जाती है। जब उसके घर वालों को इसके बारे में पता चलता है तो, अरे वो कमजोर मरिल्ली थी इसलिए मर गई, भला कोई खुले में शौच करने से भी मरता है क्या? ये सब सुन रानी की आत्मा को बहुत दुख होता है, और वो चुड़ैल बन जाती है। सबकी वजह से मैं मर गई, अब मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी। आप सबको अपने घर टॉयलेट बनाना पड़ेगा। चुड़ैल तुरंत अपने घर पहुंच सबको खूब डराती है और मारती है। अरे 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 मैं तेरा पति हूँ। आप कैसा पति? अरे छोड़ दे बहू, छोड़ दे, आ आ आ, माफ कर दे बहू, हमें माफ कर दे। ठीक है मैं तुम लोगों को माफ करती हूँ, लेकिन तुम लोग गांव वालों को अपने अपने घरों में टॉयलेट बनवाने के लिए समझाओगे? हाँ जरूर जरूर, छोड़ दो, हमें माफ कर दो। गांव के सरपंच तक ये बात पहुंचती है। क्या अपने घर के अंदर टॉयलेट बनाए, घर के अंदर ही गंदगी करे, ये कैसे हो सकता है? सरपंच जी, अगर हम लोग खुले में ही फ्रेश होंगे तो पूरा गांव गंदा हो जाएगा, लोग तबीयत खराब होने की वजह से मरने लगेंगे, और औरतों के लिए भी काफी असुरक्षित है बाहर में खुले में जाना। निकल जाओ मेरे सामने से, तुम लोग गांव के रीति रिवाज को बदलने चले हैं, चलो निकलो यहाँ से। और वो लोग मायूस हो लौट गए। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुबह के अंधेरे में एक सुंदर सी लड़की खुले में टॉयलेट करने जा रही थी कि तीन चार गुंडे उसको देख लेते हैं। चल चल इसके पीछे चल, कितनी सुंदर लड़की जा रही, आज तो इसका काम तमाम कर देंगे। लड़की को अंदाजा हो गया था कि गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं, और वो जोर जोर से भागने लगती है। वो लोग लड़की का जोर जोर से पीछा करने लगते हैं। इतना शोर शराबा सुन सरपंच और गांव वाले जंगल की ओर भागने लगते हैं, जहां लोग खुले में टॉयलेट किया करते थे। लेकिन जब तक कोई वहां पहुंच पाता, तब तक गुंडों ने उस लड़की को घेर लिया था। पता चलता है वो सरपंच की लड़की थी। अरे कोई मेरी लड़की को बचा लो, अरे कोई मेरी लड़की को बचा लो। तभी अचानक से वहां चुड़ैल आ जाती है, और वो चुड़ैल उन गुंडों पर भयंकर हमला करती है। सरपंच की लड़की की इज्जत बचाने की वजह से पूरा गांव चुड़ैल को हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है, और सरपंच चुड़ैल से वादा करता है कि अब बेलमपुर गांव के हर घर में टॉयलेट होगा।